يا इंसान अजीम है, ग्रेट है,
श्रेष्ठ है, लेकिन अपनी ग्रेटनेस को, अपनी अजमत को, अपनी श्रेष्ठता, अपनी बुलंदी को भूल गया है वो, ये बताने आया। लोग चौंकी, इनके लिए नई बात तो है ये। लगत करमना बनी आदम, कुरान पुकार कह रहा है कि हमने बनी आदम को, हमने इंसान को मुकर्रम बनाया, ग्रेट बनाया है, इज्जत दी है। अब सवाल यह है कि इज्जत दी है, इसे मेंटेन कैसे किया जाए, इज्जत क्यों दी है, सारी तफसीलात उसकी है। चौंके लोग, इसलिए कि मजहब के बारे में, कुरान के बारे में या दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में जिस तरह विचार करना चाहिए, विचार गौर करना चाहिए, गौर नहीं करते। कुरान का मुताला अपना मुताला है, इस्लाम का मुताला धर्म का मुताला, स्टडी अपनी स्टडी है। अगर अपनी स्टडी ना हो, अपना मुताला ना हो, दूर की चीज है, उससे हमारा रिश्ता बहुत कमजोर होगा, वो एक इम्पोर्ट की हुई चीज होगी, वो दिल की खिलावट नहीं होगी, वो फूल नहीं होगा जो साबुन खेलता है, वो तो फूल वो होगा जो ऊपर से अगर बांध दिया जाए। अंदरून की आवाज, इनर वॉइस, हमारी फिक्र, नेचर, यही वजह है इंसान की जो तमन्नाएं हैं, तमन्नाओं में, आरज़ुओं में इंसान जो है जाहिर होता है, वहां वो मुर्तकिब हो जाता है, केंद्रित हो जाता है, सेंट्रलाइज हो जाता है अपनी आरज़ुओं में। इंसान की जो आरज़ुएं हैं, इंसान की तमन्नाएं हैं, इंसान की जो ख्वाहिशात हैं, फितरी ख्वाहिशात, बिगड़ी हुई ख्वाहिशात नहीं, वो ख्वाहिशात, वो तमन्नाएं धर्म की और दीन की बुनियादें, वो दीन की बुनियादें हैं, बेस है वो। इसलिए दीन, सच्चे दीन को रद्द करना, उसे अवॉइड करना, अपने को रद्द करना है, अपने को अवॉइड करना है। दीन की समझ अपनी समझ है, यह है बड़ाई। और आप सोचिए, हम बहुत दूर तक जाते हैं तो भाईचारे की बातें करते हैं, भाईचारा प्रेम बड़ी चीज है, लेकिन हमारे अंदर तो निगाह पैदा होनी चाहिए, खुदा की निगाह। माँ को कोई कहे कि बच्चों से प्रेम, बच्चों से मोहब्बत करो, तुम्हारे अंदर ममता होनी चाहिए, तो माँ कहे कि हम सिखा रहे हैं, ममता फितरी चीज है। अब भाईचारे के लिए माँ को सिखाना पड़े कि बच्चे से प्यार को, अपने बच्चे से, मुन्ने से ममता दिखाओ, ये वक्त आ गया कि भाईचारे की बात कर रहे हैं। भाईचारा ऑलरेडी होना चाहिए, इससे बड़ी चीज खुदा की, उसकी निगाह हमको मिलेगी तो मोहब्बत, भाईचारा, सेवा, खिदमत, इशार, कुर्बानी, ये तो फितरी चीज है। फूल से क्या उम्मीद करेंगे, खुशबू की, कोई भी आए खुशबू देगा, कोई और उम्मीद नहीं कर सकती। तो खुदा की जब दर्पण बनेंगे आप, इमेज बनेंगे, आईना बनेंगे, तो भाईचारा बहुत छोटी चीज है। बड़ी बड़ी तो अखबार, बड़ी बड़ी चीजें आपसे सादिर होंगी और सामने आएंगी। देखिए, एक बात पे इस मौके पर अर्ज करूं, कुरान के अंदर आया है बेन अल्लाह वल हक, कि वो हक है, इसलिए वो ऐसा ऐसा करता है, बेन अल्लाह वल हक, क्योंकि खुदा हक है, ट्रुथ है, सत्य है। और कुरान जगह जगह आया है कि बिलहक, हक के साथ ही उतारा गया है। ये भी आया है जमीन आसमान की तख्लीक, कायनात की तख्लीक, ये क्रिएशन क्रिएटेड जो कायनात यूनिवर्स है, ये बिलहक है, हक के साथ। ये बिलहक हक जो है, ये टर्म है खास, और खुदा के लिए ये टर्म, ये इस्तेमाल हुई है, बेन अल्लाह वल हक, इसलिए आया है वल हक मुबीन, वो बहुत ही खुला हुआ हक पर गौर करने के बाद मालूम हुआ। हक कहते किसको है, जानना चाहिए। खुदा हक है, ट्रुथ है, सत्य है,
लेकिन आप सब ही नहीं जानते तो क्या खुदा आपसे मिलेगी। तो कुरान और यूं विचार करने के बाद मालूम हुआ कि हक जो है, सत्य जो है, उसकी पहली पहचान यह है कि वो फैक्ट होता है, इल्यूजन नहीं होता, धोखा नहीं होता, वो फैक्ट होगा, हकीकत होगी, वो भ्रम नहीं होगा, वो ख्वाब ख्याल नहीं होगा। खुदा कोई एक कल्पना नहीं है, तसव्वुर नहीं है, फैक्ट है, एक हक है, हकीकत है, और हक के लिए उसका एक गुण, उसकी एक सिफत यह है कि वो यूनिवर्सल होता है, आफाकी होता है। ये नहीं कि हक हक में वहां हम, यहां तो सत्य है वहां जाकर सत्य हो जाए, आफाकी होता है, यूनिवर्सल होता है, और जब यूनिवर्सल होता है तो एक होता है। हाँ, आसमान को देखिए, फैला हुआ है तो एक हो गया, जो यूनिवर्सल होगा उसके अंदर एकता एक। और फिर गौर करने से मालूम हुआ कि सत्य की एक सिफत यह है, हक की एक सिफत यह है कि वह परमानेंट होता है, वक्ती नहीं होता, टेम्पररी नहीं होता, वक्ती नहीं होता, दायमी नहीं होता है, इटर्नल होता है, उसकी बात इटर्नल भी वक्ती वक्ती नहीं होगी, मत वो परमानेंट। एक खूबी है सत्य की कि वो गुण होता है, खैर होता है, शिवम होता है, भलाई होता है। सत्य में भलाई न हो, खैर न हो तो कहां है? तो खैर कोई हम तसव्वुर नहीं कर सकते, कोई उम्मीद नहीं पा सकते। उस सराबा खैर होता है। गौर करने से मालूम हुआ कुरान की रोशनी में और मुताले से कि सत्य वह है, ट्रुथ वह है, हक वह है जो सुंदर सुंदर भी हो, खूबसूरती हो, उधर हक नहीं है। अगर हक के अंदर खूबसूरती ना हो, ऐब हो गया, ऐब हक नहीं। जो आज कुरान में आता है, कुरान में आता है खलक समावात में भी हक उसम फोरकुम मिले, खुदा ने हक के साथ पैदा किया है कायनात को, और तुमको जो बनाया हक रखा, तुमको जो बनाया तो निहायत हसीन दर्श कर दी तुमको, ये हक तकाजा था। कायनात को बनाया, पहाड़ को बनाया, हक तकाजा था उसे मजबूत रखा जाए, पहाड़ मजबूत हो, कहीं हरे भरे पहाड़ हो जाए आपके यहां, कहीं खुश्क भी हूं, हर तरह का मंजर सामने आए। हक तकाजा यह है कि इंसान को तुम्हें बनाया, वह समय सो रखू कितना हसीन है, हक तकाजा। तो हक की पहचान यह है कि वो वहां खैर ही नहीं हुस्न होता है, और उसकी एक पहचान यह है वह एक्सेप्टेबल होता है, जिसे स्वीकार किया जाए, जिसे कबूल किया जाए, जिसे कबूल न किया जा सके वो हक नहीं है, जिसे हर एक कबूल करे, इख्तियार कर सके वो हक है, वही सत्य है। और हक जो होता है रिजेक्टेबल नहीं होता, उसे रिजेक्ट नहीं किया सकता, उसे रद्द नहीं कर सकते। उसी रद्द करने का मतलब है कि आप अपने रद्द कर रहे हैं, आप अपने रद्द कर रहे हैं धर्म हक का, सत्य का। आदमी से ताल्लुक वो नहीं होता जो कपड़े और बदन को होता है एक ताल्लुक भी है, कपड़े का आदमी नंगा हो जाएगा बुरा मालूम होगा, कपड़े की लिबास की अहमियत है क्लॉथ की, लेकिन धर्म का हक का ताल्लुक तो चमड़े का ताल्लुक है कि नहाते वक्त भी इसको अलग नहीं करते, आप अलग नहीं कर सकते, अनडेटेबल है, इसे आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। और
सत्य है कि जस्टिस आ गए अब नहीं, अब वहां हो जस्टिस। और हक की पहचान यह है कि वहां डिग्निटी वकार होगा, जिल्लत नहीं होगी, अपमान नहीं होगा, गिरावट नहीं होगी, रुसवाई नहीं होगी, डिग्निटी इज्जत वकार। जो सत्य आपको बावकार न बनाए वो सत्य नहीं है, जो सत्य आपसे छीन ले आपको वकार वो सत्य है, वो सत्य नहीं। सत्य की एक पहचान यह है कि वो वकार बावकार होता है। खुदा सत्य है, वो अजीज है, इज्जत वाला है, बावकार है और वो इज्जत बख्शता है। तो सत्य की एक पहचान यह है वो अजबत, और सत्य की पहचान यह है, बड़ी पहचाने हैं कहां तक काउंट करेंगे आप, कुछ मिसालें दी जा रही हैं। सत्य की पहचान यह है कि वो डिजायरेबल होता है, डिजायरेबल होता है, जिसकी आप तमन्ना कर सकें, जिसकी आप कामना कर सकें, जिसकी आप आरजू कर सकें, जिसके लिए आपके अंदर तलब हो, मांग हो, बेचैनी हो, वह है हक, वो है सत्य। जिसके लिए आपके अंदर कोई बेचैनी नहीं, कोई तलब नहीं, कोई डिजायर नहीं, डिजायरेबल होता है। अगर वो डिजायरेबल न सका अभी दूरी बहुत दूर है, दोस्ती नहीं, डिजायर। और यही नहीं, यही नहीं, सत्य जो होता है डिजायरेबल ही नहीं, यहां तो सत्य को बोझ समझते हैं, नागवार बोझ समझते हैं, मुसीबत समझते हैं। कुछ लोग कहते हैं आई से भाई सही लोग उसको मसरत खुशी के रूप में नहीं देख सके। तो ये डिजायरेबल हो, खुदा डिजायरेबल है, इसलिए बेन अल्लाह और हक का हक मोमिन का। और यही नहीं डिजायरेबल नहीं, सत्य की एक पहचान है कि वो इंजॉयबल होता है, जिसे आप इंजॉय कर सकते, जो इंजॉयबल हो, जो आपके लिए हलावत हो, जो आपके लिए शीरनी हो, जो आपके लिए बायसे बसरत हो, बायसे ज्ञान हो, इंजॉयबल। तो खुदा ने कुरान में कहा वो हक नहीं, वो हक है, या बेन अल्लाह वो हक है, हक है वो, कि खुदा के अंदर ये सारी सारे गुण पाए जाते हैं। वो फैक्ट है, फलसफी का ख्याल थॉट नहीं है, वो फैक्ट है, हकीकत है, जिससे कायनात चल रही है, जमीन आसमान था, यूनिवर्स गवाही दे रहा है। और खुदा जो है ऐसा हक है कि जो यूनिवर्सल है, वो कहीं बंद कर नहीं रहा है, व्यापक आफाक है, वक्ती बादल नहीं है उड़ जाए, दाहिनी है, खैर है, सत्यम है, शिवम है, सुंदर भी है, डिजायर हमारी तमन्ना है, हमारी आरजू है, वो हमारे लिए सामान्य शर्त है, इंजॉयबल है, वो इसे इंजॉय कर सकते हैं, जहां राहत हासिल कर सकते हैं। ये हक की सिफात है जो परमात्मा में, गॉड में, खुदा में सारी सिफात पाई जाती है, और बहुत सी पाई जाती है, उनका डिटेल में नहीं जा सकती, अनलिमिटेड, कुछ खास खास जो जहन में आता है बयान किया, और सब के दलायल मौजूद है, एक जामे सिफत बयान किया, हक हक के मुकाबले बातिल होता है, कुछ नहीं।
सब जो है परमात्मा है, रिलीजन जो है दीन या मजहब से कहते हैं वो उसका रिफ्लेक्शन है, वो उसका अक्स है, प्रतिबिंब है, इनकास है उसका। रिलीजन या धर्म या दीन जो उसकी तरफ से रिवील होता है वो उसका प्रतिबिंब होता है, उसका अक्स होता है। होना चाहिए बड़े से बड़ाई जाहिर होगी, सुंदर से सुंदरता जाहिर होगी, बखील से बख़ल जाहिर होगा, गंदे से गंदगी जाहिर होगी। यही वजह है कि वो कर्नल हस्ती है उसने जो दावत दी है वो दावत दाएं का हमेशा के लिए है, वक्ती नहीं, जरा सुकून से गुजर जाए नहीं, दवान की अमर जीवन, दायमी हया, दायमी खुशियां, चूंकि दायमी हस्ती है और फैयाद है, फैयादी भी एक सिफत है कुछ की, सत्य की फैयादी, और सत्य जहां होता है वो लिविंग होता है, उसके अंदर हयात होती है, वो खुश शुष्क मशीन नहीं होता, तो वो फैयाद है, दानशील है। और एक बात जान ले कि दानशीलता या फैयादी जो है हयात की सिफत है, जहां हयात होगी वहां फैयादी, और जहां हयात नहीं होगी वहां फैयादी नहीं। दरिया बह रहा है फैयादी है, सूख गया कोई फैयादी नहीं, दरख्त खराब हो रहा है जिंदगी है, साया दे रहा है, फूल दे रहा है, फल दे रहा है, उसके नीचे लोग ठहरते हैं, मर गया कोई साया नहीं, कोई फल नहीं, कोई पानी है, आग है, जल ही है, आप फायदा उठाए उसे पकाए, गर्म चाय बनाए, बुझ गई आग, राख हो गई, जिंदगी नहीं है, अब कोई उससे उम्मीद नहीं कर सकते। जिंदगी की अलामत फैयादी है, ये उसकी फैयादी है जिसकी वजह से हम और आप सांस ले रहे हैं, मौजूद है। तो मैं कह रहा था कि धर्म जो होता है वो उसका अक्स होता है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड है। अगर सत्य यानी प्रभु खुदा का रिफ्लेक्शन न बन सका धर्म, कुछ और है ये, तो समझिए गड़बड़ी है, कमी है इसके अंदर, कोई खामी है, रिफ्लेक्शन उसकी तरफ से रिपील हुआ है, और वो सखी है, फैयाज है, कमी नहीं, देने में कमी नहीं सकता, कर सकता वो, आप तो सही 10 के हैं तो 20 देगा, वो कम नहीं देगा, फैयाज है। फैयाज है। तो ये रिलीजन जो है, धर्म जो है, इसके अंदर वो सारे गुण होने चाहिए, सब धर्म में आप समझदार पढ़े लिखे हैं इसलिए बातें कर रहा हूं, सोचने समझने के लिए, अगर उसका अक्स है, हक है ये, तो फिर सारे गुण होने चाहिए उसके अंदर। मसलन धर्म भी के अंदर व्यापकता होनी चाहिए, तो गुणवंती लोगों ने सिखाए हो, फिर का बंदी सिखाए हो, लोगों के घरों में न बांटे, सबको एक करना चाहिए, ये उसमें होना चाहिए। अगर बांट रहा है समझिए गड़बड़ है, खुदा की तरफ शायद नहीं, यही अक्स उधर से नहीं आया, वो तो व्यापक है, उसके अक्स में कहां तफरकाबाजी कहां से आती, तो उसके अंदर व्यापकता यूनिवर्सल होगा,
आफाकियत उसके अंदर होगी और फिर उसके अंदर खैर होगा, भलाई होगी, उसके अंदर सुंदरता होगी। यहां तो मजहबी आदमी एक वो है जो असुंदर हो, कभी नहीं नहाए ऐसे है तो उसको मजहबी का देता है, भूल हमारी, उसके अंदर सुंदरता भी होगी, अदल होगा, इंसाफ होगा और ईसार होगा, खाने से ज्यादा खिलाने में मजा आता होगा, पहनने से ज्यादा पहनाने में इसकी तारीफ को देता होगा, और फिर उसके अंदर खुशियां खेलती होंगी, चेहरे पर मुस्कुराहट आती होगी, इफलास दूर होता होगा, उसे अख्तियार करने के बाद रिच हो जाते हैं, रूहानी लिहाज से रिच जाएगा, इफलास दूर हो जाएगा, उसे सुंदरता आ जाएगी, सोचेगा कि सारी खूबियां जो खुदा के अंदर पाई जाती हैं वो उसके अंदर पाई जाती है। कसौटी है हक जो है, कसौटी तो ये जैसा कि भाई कह रहे थे बड़ी गलत फहमियां पाई जाती हैं लोगों, हम खुद भी नहीं जानते क्या बताएंगे, इसे तो गलत फहमी पड़ेंगे ही। इस्लाम का पहला गुण यह है, पहली खूबी है जो सच्चाई पहले से रही है आई है उसकी ये तस्दीक करता है, सर्टिफाई करता है। पहला काम ये करता है कि हक जो है जहां कहीं सच्चाई है, जिस रूप में, जिस शकल में, किताब शकल में, रवायत की शकल में, अमल की शकल में, उसकी तस्दीक करता है। ऑथेंटिसिटी अदा करता है, देखा मेरे माँ बहन तंगी तालीम नहीं देता, और ये सारे इंसानों के लिए, इसे कहा सारे इंसानों की जिस निगाह से देखा वो है कान नासु मतों वाहिदा, इंसान एक समुदाय है, एक कमिटी है, कुरान एक कमिटी लोगों ने अलग अलग बना रखा है, खुदा की निगाह में सारी एक होना चाहिए। लेकिन ये बातें ये पैदा उसी को हो सकती हैं कि जब आदमी सोच बदले, उसकी फीलिंग्स भावनाएं पकने से दिखा रहा है उनके अंदर, और फिर उसके मुताबिक उसका एक्शन, उसका अमल। आप जानते हैं पर्सनालिटी या शख्सियत जो है इसके तीन अज्जा होते हैं जिससे पर्सनालिटी बनती है, एक है थॉट, विचार, ख्याल, नजरिया, और एक है जज्बात, फीलिंग्स, और एक अमल। विचार उच्च हो, सही हो, थॉट सही हो, ऊंचे हो, और फिर उसी के मुताबिक जज्बात, दोनों में मुताबिकत कोऑर्डिनेशन हो उसके लिए, और फिर अमल जो है उसका उसकी गवाही दे, तीनों के अंदर तालमेल पाया जाए। ऐसा ना हो हालात ऊंचे हैं, अमल कुछ है, जज्बात कुछ भी नहीं, ख्यालात बंद सही, उसी के मुताबिक जज्बा, और फिर उसी के मुताबिक कर्म में अमल, इससे पर्सनालिटी बनती है। अगर इनमें तालमेल नहीं है तो पर्सनालिटी या शख्सियत जो है उसकी तामील नहीं हो सकती। आदमी के पास सबसे बड़ी चीज है कुरान से इसकी गवाही। मैं अब ये कह रहा था कि हमें चाहिए
के एक दूसरे से करीब हो। सदियों साथ रह रहे हैं, करीब होने की फिक्र नहीं करते, करीब समझ रहे थे, विचारों का ख्याल का तबादला हो और समझे कि मुख्तलिफ मजाहिब मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में कुरान की क्या जरूरत थी, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या जरूरत थी, क्या जरूरत पूरी हुई। खुदा कोई लायानी काम नहीं करता, कोई बेकार काम नहीं करता, हो गिफ्ट ऑफ गॉड, जब खुदा की तरफ कोई तोहफा आए उसे रद्द करना खुदा रद्द करना है, सरकशी। इसे जानना चाहिए समझ, ये कोई पराया चीज नहीं है, उसकी तरफ से है हाँ इत्मीनान होना चाहिए कसौटी पर, और जब इत्मीनान हो जाए उसकी तरफ से है ये, तो फिर उससे पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। और इसके लिए जरूरी है कि हमारे अंदर तंगदिली हो, हौसला हो, एक दूसरे को गले लगाने का हौसला हो, किसे लगाए गले और कहां कहां ठहरे, किसे लगाए गए और कहां कहां ठहरे, हजार ऊंचे उम्र है सवा के रस्ते में कोई बड़ा, जितने लोग गले लगा सके आप, नियत तो है सारी इंसानियत को लगाए हैं, लेकिन जितने को लगा सके आप, नियत अगर है तो वह आपने सबको गले लगा दिया, सबको प्यार दे दिया, ये तारीफ है। एक की रक्षा की, सबकी रक्षा की, नियत पर है। सारी जो मसाइल खड़े होते हैं उनकी वजह यही है कि हम अपने मकाम हट गए, अपने बड़े मुकाम से कोई हट जाएगा अपने सबसे, खराबी पैदा होगी, फसाद पैदा होगा, बिगाड़ पैदा होगा, कायदा है बड़े नीक को आप छोड़ देंगे तो खुदा भी नाराज होगा और वही होगा जहर फसाद से बर और बर बेमा कस्मत है दीना, लोग अपने हाथ में कमाई होगी कि खरफजार पैदा होगा और बिगाड़ पैदा होगा, फसाद खुश्की भी करीब भी, अगर कि अब तो आसमान भी है। आखिर में याद करूंगा कि जिंदगी एक चांस है, एक इम्कान है, कई फूल बन सकती है, दरख्त बन सकता है, एक इम्कान है, अगर उस इम्कान से फायदा उठाया गया उस कली को तोड़ रौंद दिया गया अब फूल नहीं बनेगा, बीज को भून दिया गर्म तवे पर अब दरख्त नहीं पैदा होगा। जिंदगी एक इम्कान है, अपने में जन्नत लिए हुए है, अपने में खुदा का कुर्ब लिए हुए है, सब कुछ लिए हुए है, दमाम लिए हुए है, अमृत अमृत पुत्रों को आ गया, एक कोई मैत्रेयी गुजरी है, सदियों पहले भारत में मैत्रेयी नाम की एक स्त्री गुजरी थी, ऐसी बात कही मैत्रेयी ने कि आज भी गगन में फिजा में उसकी आवाज भूमि गूंज रही है। उसके पति ने याकवल्क ने कहा मैत्रेयी से अपनी पत्नी से कि अब उसको छुट्टी दो, अब कुछ भाव भजन करेंगे हम, तपस्या करेंगे, ये सोना चांदी सब दौलत दो हमको मौका दो। मैत्रेयी ने कहा था ये कंकड़ पत्थर लेकर मैं क्या करूं, जो मुझे अमर बनाए वो किस काम का है, हमें वो चाहिए जो हमें अमर बना दे। इस्लाम या सब धर्म देते हैं अमरता की दावत देते हैं, अमरता कैसे हासिल हो, जिंदगी दाई दाई कैसे हासिल हो, और कैसे आदमी खुदा की के गजब से हलाकत से बच सके। तो मैत्रेयी ने कहा था कि मुझे तो वो चाहिए जो मुझे तमाम बख्श सके, किस काम,
उसकी आवाज में इतना वजन था कि आज तक दोहराया जाता है। आप ऊंचा होगा, हम ऊंचे होंगे, सारे मसाइल अपने आप। लेकिन हम एक भाई को गवारा नहीं कर सकते, प्रेम नहीं कर सकते, तो खुदा से क्या प्रेम करेंगे? झूठी बात, धोखा देना होगा अपने दुनिया को। कुछ बातें थी, मेरे साथ टाइम हो गया, कुछ बातें थी जो अर्ज की गई। आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो गौर करें, फिर गरीब हों, आदान प्रदान हो, तबादले ख्याल हो, जाने राह निकले वेद की, मिलाप की। संसार में अंधकार फैला हुआ है, उदासी फैली हुई है, अंधेरा फैला हुआ है, दूर करना है। और ये इतना बड़ा काम है कि जब भी हो सकता है कि हम सब मिलकर एक होकर इस काम को हाथ लें, ये काम हो सकता है। और ईश्वर की, खुदा की मदद हमारे सामने हाथ हो सकती है। कारखाना, मिल, सड़कें, इनकी भी अहमियत है, इनकार नहीं है, लेकिन इंसान को इंसान बनाना ये बहुत बड़ा काम है। तो इंसान को इंसान बनाने का मतलब यह है कि वो खाकी होते हुए भी खाक जुदा हो, खाकी और अनवार हामिल, बंदा और खुदा से वासिल। उसे वो चीज मिल जाए कि वो संपन्न हो जाए, रिच हो जाए, धनी हो जाए। ताल्लुकात जो हैं, ताल्लुकात जो हैं तीन तरह के होते हैं, खुद से ताल्लुक, लोगों से ताल्लुक, खुदा से ताल्लुक। तीन तरह के ताल्लुक होते हैं, तीनों ताल्लुकात में आपस में कोई टकराव नहीं। खुद से ताल्लुक का मतलब होता कि खुद शनासी, अपनी पहचान, कोहनूर पे नहीं पहचानता कोहनूर है, वो मुजरिम नहीं है, उसके अंदर सेंस नहीं है, लेकिन आप वो कोहनूर है और अपने पहचाना नहीं अपनी कीमत को, आप खुदा के मुजरिम कराता है। आप वो कोहनूर है, खुद शनासी, लोगों से ताल्लुक हमारा हो, उसको कहा जाए शील, अखलाक, अखलाक के सतह पर ताल्लुक होना चाहिए। महज कारोबारी नहीं, महज कारोबारी नहीं, लेकिन इसमें प्रेम, प्रेम भाव, सेवा का जज्बा, सारी से अपने आ जाती है। और ये ताल्लुक खुदा से, परमात्मा से, इसके लिए कोई शब्द, कोई लफ्ज ढूंढना ही मुश्किल है। एक औरत से किसी का वो कौन है, और उसका पति था वो, किसी ने पूछा उस औरत से कौन है, और उसका पति था, वो शौहर था, तो अब घबरा गई। अच्छा उस वक्त बच्चा भी नहीं पैदा हुआ था, कहते देख पला के अब्बा है, है? घबरा गई, तो कहती है वो हमारे, वो हमारे, वो है। तो परमात्मा जो ताल्लुक होता है उसके लिए क्या शब्द लाया जाए? अरे वो तो कोई कहता है समाधि लाभ लाइए उसके लिए, है महवियत लाइए, आराम जहां है बच्चे को हम मिठाई देते हैं और लगता है नाचने खुशी के मारे, तब उनको ज्ञान होता है कि फूलों में रस क्यों है, फलों में मिठास क्यों है, फूलों में सेहत क्यों है। और जब हम किसी बच्चे को चुम्मा देते हैं, बोसा देते हैं, और बच्चा खुशी के मारे नृत्य करने लगता है, रस से लगता है,
तब हमको कहना होता है प्रैक्टिकल कि बातें सेहत क्यों चलती है, बातें नसीम क्यों चलती है, तब हमें ज्ञान होता है। वो जिंदा खुदा है, हमें जिंदा रखना चाहता है, और जिंदगी का पैगाम है उसका पैगाम मृत्यु का नहीं, हयात का पैगाम है उसका पैगाम जो है तरक्की का है, पस्ती का नहीं उसका पैगाम, डिग्री इज्जत का है, ऑर्डर का है उसका पैगाम, भलाई का है बुराई का नहीं उसका पैगाम, प्रेम का है दुश्मनी और द्वेष का नहीं उसका पैगाम, हौसले का है बेहौसली और नफरत नहीं प्रेम। कहते हैं कि क्या खबर हो जरूरत उसे आपकी, क्या खबर हो जरूरत उसे आपकी, क्या खबर हो जरूरत उसे आपकी, अपने दुश्मन से भी मिल लिया कीजिए वो आपको।